दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम लोग एक नए फार्म में हैं, नए फसल के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये फसल आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स हमारे चैनल पे नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये है बीन्स। इससे पहले आप लोग बीन्स के छोटे छोटे झाड़ी देखा करते थे जिसमें बीन्स का फल होता था और 2 या 3 महीने में वो खत्म हो जाया करता था। अब ये उसकी उन्नत वेरायटी आ गई है। यह है सेमनीस का मोरोलेडा। और ये जो है इसका जो प्रोडक्शन आप देखेंगे तो हर छोटे छोटे डाल में 8-10 फूल आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वीक तक ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा और ये बाजार जाने को रेडी हो जाएगा। ये फसल आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट इसमें कम लगता है आपको बाकी फसलों से। और ये नई चीज़ है, रेट अच्छा मिल जाता है, प्रोडक्शन अगर अच्छा है तो आप इसे बाहर भी भेज सकते हैं। ये रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, इसकी सब्ज़ी बनती है, इसको फास्ट फूड में भी यूज़ किया जाता है। ये वीडियो आपको बहुत काम की होने वाली है, बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। दादा एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम रंजन है, सिलचिली से हूँ मैं। हाँ, तो आप अलग अलग खेती करते थे, अचानक से ये कुछ नया फसल हम लोग देख रहे हैं, सेमी जैसा पत्ता दिख रहा है। नया नहीं, पहले भी एक बार किया था। अच्छा, ये दूसरा बार किया। क्या है, क्या ये? ये बीन्स है, इसको बीन्स बोलते हैं। तो बीन्स तो हम लोग ऐसे देखते थे, इतने छोटे छोटे झाड़ी में। ये नार वाला है, लंबा चढ़ता है। अच्छा, ये और ऊपर तक जाता है, जितना ऊपर तक आप ले जा सकते हैं इसको। अच्छा, मतलब इसको अभी स्टेकिंग और ऊंचा रहता तो और ऊपर तक जाता। तो इसका फूल भी हम लोग देख रहे हैं सेमी से अलग है, थोड़ा ज्यादा फूल है इसमें सेमी से। इसमें फूल भी ज्यादा आएगा, फल भी ज्यादा आएगा आपको। और दोनों में अंतर वाले बीन्स में और इसमें? वो क्या है, कम दिन के लिए है और ये लंबा चलता है। ये लंबा चलेगा, कब लगाएं? हम लोग एक आध फल यहाँ देख रहे हैं, आना चालू हुआ है, तो ये एक आध हफ्ते में तैयार हो जाएगा। हाँ, लगभग 10 दिन में तैयार हो जाएगा, मतलब आपका पहला हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। अंतर दोनों में आप बताएं, ये लंबा चलता है, वो जल्दी खत्म। दोनों सेम है, उसको 2-3 बार तोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, और ये जो है आप 10-12-15 बार तोड़ सकते हैं इसको। हाँ, और कब लगाए थे इसको आप? इसको लगभग 20 जनवरी को लगाया था इसको। 20 जनवरी और लगभग 50-55 दिन हो चुका है। उतना हो गया है। तो अभी हार्वेस्टिंग अगले हफ्ता हो जाएगा। हाँ, लगभग 10 दिन में हो, मतलब लगभग 60-65 दिन का ये खेती है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग। और रेट के बारे में कुछ आइडिया दे दीजिए, इसका रेट क्या रहता है? रेट तो अभी मार्केट में है नहीं, जब निकलेगा कम से कम 40+ तो होना चाहिए थोक में। हाँ, थोक में। ये अच्छा बात बताया। फुटकर में कम से कम 60-70 रुपए बिकता है। ये ना उसमें फास्ट फूड में बहुत ज्यादा, चाउमीन वगैरह में इसको बहुत पसंद करते हैं लोग। कहाँ से आइडिया आया, मतलब पहली बार आप जब खेती किए तो आपको नहीं लगा कि रिस्क है, दूसरा चीज लगाऊं, बरबट्टी वगैरह लगाते थे? खेती बाड़ी तो ऐसे रिस्क है ही है। हाँ, तो आप कब से कर रहे हैं खेती? मैं तो बहुत साल हो गया है, लगभग 10-15 साल हो गया है खेती में है। और ये जो हाईटेक खेती कर रहे हैं आप, ड्रिप व्रिप लगा के, इसको भी पहले से कर रहे थे या इसका तो बाद में प्रचलन आया हमारे यहाँ? ड्रिप जो है मेरे गांव में लगभग जब स्टार्टिंग हुआ था। हाँ, शुरू में मैं ही लगवाया था और अच्छा, मेरे साथ 2-4 जन लगाए थे। हाँ, उसके बाद तो धीरे धीरे सब लगाए। तो ये फायदेमंद है ड्रिप की, खर्चा है ये? खर्चा वो ऐसा कुछ नहीं है, जब लगाया था सब्सिडी में था, अभी तो और सस्ता हो गया है। तो मतलब इसको लगाना चाहिए खेत में, अगर खेती कर रहे हैं तो बिना ड्रिप के ना करें। खेती कर रहे हैं तो आजकल हाईटेक सब सुविधा हो गया है। तो इसमें भी मल्चिंग भी लगाए हैं आप, खूटा भी लगाए हैं, तो लगभग कितने एकड़ में लगा दिए आप ये वाला बीन्स? ज़्यादा नहीं, 50 डिसमिल होगा लगभग, मतलब आधा एकड़। हाँ, तो इसका कॉस्टिंग कुछ अंदाज होगा, कितना खर्चा आता होगा? खर्चा लगभग मेरे को 40,000 लग गया है, मतलब 1 एकड़ में 1,00,000 रुपये के आसपास का खर्चा, 1,00,000 रुपये खर्चा लगेगा, खर्चा आएगा। तो जैसा आप रेट बता रहे हैं वैसे उस हिसाब से बहुत अच्छा खेती हो सकता है ये। मैं आगे आपसे पूछूंगा थोड़ा खाद के बारे में कि इसमें आप क्या क्या खाद यूज़ करते हैं, जैसे सबसे पहले आप खेत तैयार किए, इसके बाद जैसे खेत पहले जुताई किए हैं उसको 2-3 बार, उसके बाद इसमें 1 ट्रॉली पोल्ट्री खाद डाले हैं, मुर्गी वाला जो खाद। हाँ, और 1 ट्रॉली डाले हैं गोबर का खाद, उसके बाद नॉर्मली जो DOP यूरिया राखड़ वगैरह है, जिंक वगैरह है, उसको दे के इसको लगाए। तो उसके बाद में अब रेगुलर इसमें खाद डाल रहे हैं कि नॉर्मल पानी अभी चल रहा है? 2-3 दिन बाद ड्रिप में खाद चला रहे हैं। 0050 चल रहा है, 1919 चल रहा है। अच्छा, तो अभी तो ग्रोथ ले लिया है, फिर अभी बढ़ाने का दवाई? अभी इसमें पोटास की जरूरत है। अच्छा, इसे फल लग रहा है। हाँ, इसमें पोटास की मात्रा डालना जरूरी है इसमें, फिर ताकि फल सेट हो जाए, फल सेट होगा, फल बड़ा होगा, साइज में आ जाए। तो आपको अगर दूसरा खेती, जैसे आप बताए पहले भी ये खेती आप कर चुके हैं, तो दोनों में अंतर आप बताएंगे? जैसे आप मान लीजिए करेला या बरबट्टी लगाते हैं, वो और बीन्स में अंतर कितना है? करेला वगैरह बीमारी बहुत ज्यादा लगता है, इसमें नहीं, इसमें उस टाइप से कम तो माहो नहीं आएगा। अभी जैसे सेमी में माहो आता है, इसमें माहो नहीं है, नहीं। ये सूखा है एक्चुअली, देख रहे हैं फूल, तो पत्ते वत्ते जैसे उसमें ना वो गीला रहता है उसका पत्ता,
सेमी का, इसमें वैसा नहीं है? इसमें नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा हल्का पत्ता खुरदुरा है। हाँ, खुरदुरा है, छूने से पता चल रहा है। एक बार मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोग ये खूंटा लगाए हैं, कहीं बहुत मोटा कहीं थोड़ा पतला, तो ये चल जाता है मिक्स में या साइड में आपको हेवी देना है ऐसा कुछ? जैसे कि इस साइड हो गया, उस साइड हो गया, दोनों छोर पे हेवी वाला डालते हैं और बीच में जैसे पतला हो गया मोटा हो गया मिक्स कर चल जाता है। चल जाता है। और कितना खूंटा लगेगा अगर प्रति एकड़ की बात करें हम लोग? एकड़ में लगभग 1000 खूंटा लग जाएगा। 1000 खूंटा लग जाएगा। और एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं रस्सी है, नीचे वाला थोड़ा कमजोर, ये भी थोड़ा बहुत हेवी नहीं है, ये बहुत हेवी लगा, ये मेन है, इसमें पूरा जो है इसमें लोड पड़ता है। अच्छा, वजन अब इसमें आ जाएगा, इसमें वजन पड़ेगा। तो ये कितना लगेगा अगर हम लोग आपके हिसाब से? अगर एकड़ में 10 से 12 किलो, 10 से 12 ये लग जाएगा। और सबसे बेस्ट यही है कि इसका उपाय और कुछ आता है अभी? बहुत सारा पहले तो तार आता था, उसमें सक्सेस नहीं था, ये ज्यादा चलता है, ये ज्यादा चलता है। तो एक बार चलेगा या 2-3 बार चलेगा? नहीं, इसको आप 2 बार चला सकते हैं आराम से, 2 बार चला सकते हैं। तो लगभग अभी जो बांस का रेट है वो भी 20 से 22 रुपए हो गया है, अभी तो लगभग 25 रुपए, 25 रुपए हो गया। तो ये आपको कितना बार चलेगा ये बांस? लगभग चल जाएगा, कम से कम 2 साल चल जाएगा आराम से, मतलब 3-4 फसल आराम से निकल जाएगा। एक बारिश से, मतलब 2 बारिश ये चला लेगा, आराम से चल जाएगा। तो इसके बाद फिर से आपको नया बांस खरीदना होगा, नया खरीदना पड़ेगा। फसल में अगर मैं आपसे पूछूं कोई 2 फसल का ऐसा नाम बताइए जिसको नया फार्मर कर सकता है, ये भी कर सकता है क्या कोई नया किसान? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है टेक्निकल कि इसको चढ़ाना पड़ेगा, आपको पकड़ाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। जब पौधा छोटा रहता है, हाँ, उसको ये जो निकला है नार, इसको एक बार लपेट दीजिए, उसको धीरे धीरे अपने आप चढ़ जाएगा, खुद ही चढ़ जाता। हाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर हम लोग कोई फसल करना चाहें तो ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ भी फंसने वाला कुछ नहीं है इसमें? ऐसा कुछ नहीं। और इसका बाजार कहाँ है? लोकल मंडी में बिक जाएगा या अपना सिलसिले में बाजार है, मंडी है, मंडी में बिक जाएगा? थोक बिक्री हो जाता है। तो आप अगर फिर से लगाना चाहें कभी तो ये लगाएंगे या फिर बरबट्टी लगाएंगे या करेला लगाएंगे ऐसा कुछ? तो लगाएंगे, ये आपका फेवरेट हो गया। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और इसका जो बीज है उसका कीमत थोड़ा बता दीजिए कि बीज? बीज इसका समथिंग 2500 रुपए किलो लगभग, 2500 रुपए केजी। कितना लगा एक एकड़ में या आधे एकड़ में? इसमें मेरे को लगा 1.5 केजी लगा है। 1.5 केजी के आसपास लगा है आपको, 2500 रुपए किलो में इसका बीज मिल जाता है। डायरेक्ट बीज लगाते हैं? डायरेक्ट बीज लगाए हैं। और ये 60-55 दिन का हो गया है, 60-65 दिन से पहली तुड़ाई चालू हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। हम लोग आगे भी इसका जब फ्रूटिंग आ जाएगा तब आपके साथ में एक और वीडियो करेंगे। ठीक है, आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में फिर से मेरे व्यूअर्स के साथ में मैं मिलने वाला हूँ अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल पर नए हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।